इसराइल और हमस के बीच हो रहा है जंग। 5000 मिसाइल दागा हमस ने, मारा गया है अब तक 300 से भी ज्यादा लोग। और आज ही सुबह कंगना रावत का नया मूवी तेजस का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जिसको देख के एक पल के लिए लग सकता है कि भारत इसराइल को बचाने के लिए मिशन शुरू किया है। लेकिन नहीं, तेजस से कोई ताल्लुकत ही नहीं है इसराइल और हमस के जंग का। लेकिन कंगना रावत का नया फिल्म का ट्रेलर देख के गुजबम आ गया। भले बॉलीवुड में कंगना रावत को फ्लॉप क्वीन कहा जाता है, लेकिन ऐसा क्या फिल्म बनाया जिसको देख के रोंगटे खड़ा हो जा रहा है? क्या है तेजस और क्यों कंगना का इस फिल्म ने मचाई तबाही? ये सारे सवालों का जवाब देंगे आज के इस वीडियो में, तो आप सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना। भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसराइल और हमस के बीच पहले से हो रहा है जंग, और इसीलिए स्टेट वार डिक्लेयर भी कर दिया इसराइल ने। और यही तेजस का ट्रेलर देख के लग सकता है कि इंडिया इसराइल का कोई हेल्पिंग मिशन पे है। लेकिन नहीं भाई साहब, तेजस फिल्म इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेगी, और इस बार कोई आम मुकाबला नहीं होगा बल्कि एयर स्पेस से फाइट होने वाला मुकाबला दिखाया जाएगा। फिल्म का स्टोरी में बताया जाता है तेजस एक मिशन है इंडिया मिलिट्री का रेस्क्यू का। पाकिस्तान में एक इंडियन मिलिट्री इंजीनियर फंस जाता है और पाकिस्तानी आर्मी उसको टॉर्चर करते हैं बहुत, और उस बंदे के पास ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि किसी भी तरह से लीक नहीं करना चाहता इंडियन आर्मी। उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड विदाउट डाउट इट इज समथिंग बिग। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा प्लान करा जाता है कि उसको बचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान में जाके उस बंदे को बचाना एकदम नामुमकिन है, क्योंकि जहाँ पर उस बंदे को रखा गया है एकदम टेररिस्ट का घाटी है। लेकिन कैसे कंगना फाइटर जेट पे जाके ये मिशन को अंजाम देगा, कैसे वो मिलिटेंट को बचा के लाएगा, यही है इस फिल्म का कहानी। ये ट्रेलर देख के आपको भी वाह वाह करने का मन करेगा। बहुत ही अच्छा एडिटिंग किया गया है, टॉप लेवल का VFX का काम और एक्शन सीन दिखाया गया है, खास करके रॉकेट वाला सीन। जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए, जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। तेजस का ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगा कि ये फिल्म शायद बॉलीवुड का प्रोजेक्ट है। जैसे सिनेमेटिक शॉट, ऐसे ही बैकग्राउंड म्यूजिक, वाह देख के मजा आ गया। भले ही कंगना रावत को फ्लॉप क्वीन कहा जाता है बॉलीवुड का, जब से वो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लेके मुद्दे पे बात किए तब से उनका फ्लॉप सीन चालू हो गया। लेकिन शायद मिशन तेजस कंगना को फिर से ट्रैक पे लाए। और अगर बात करें तेजस की एक्टर की, तो इसमें कंगना रावत के साथ साथ आशीष विद्यार्थी, अंशुल चौहान जैसे कलाकार मौजूद है। तो ये फिल्म हिट हो गया फिर फ्लॉप, ये तो पता चलेगा 27 अक्टूबर के बाद ही, क्योंकि ये फिल्म 27 अक्टूबर को आ रहा है सिनेमा घर में। अब तो आकाश से बारिश नहीं, आग बरसनी चाहिए। दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद डायरेक्टर भाई साहब का तो तारीफ बनता ही है। ये फिल्म को डायरेक्ट किया है सौरभ मेहरा जी ने। तो आपको तेजस फिल्म का ट्रेलर कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताना। और आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इस समय इसराइल और हमास के बीच हो रहे जंग में हमारे देश के एक एक्टर फंस गए ऊपर जाके, नुसरत भरूच। लेकिन आशा करता हूँ जल्द से जल्द ये वैर खत्म हो जाए और जो भी लोग इंडिया से इसराइल जाके फंस गए हो उसका कोई नुकसान ना आए। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छे लगा। अगर अच्छे लगा तो वीडियो में एक लाइक दे देना और अपना दोस्त के साथ शेयर कर देना। बाकी रहा आपका राय हमारा वीडियो को लेकर, हमारा वीडियो अगर अच्छे लगे वो भी बताना, अगर कोई शिकायत है वो भी कमेंट में बताना, हम उसको इंप्रूव करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो हम मिलेंगे अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है।